हेलो हाय एवरीवन, दिस इज इंजीनियर निखिल पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेंटोर इंजीनियर। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो अबाउट द कैटेगरी वाइज कट ऑफ देन सीट मैट्रिक्स फॉर द ओडिशा नीट 2020। सो लेट्स डाइव इन। तो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सीट मैट्रिक्स इन द ओडिशा फॉर नीट 2020। ये जो मैं आपको सीट मैट्रिक्स बता रहा हूँ, ये 2019 की है। हो सकता है अभी आने वाले समय में जो है आपकी सीट मैट्रिक्स अपडेट हो जाए, तो ये जो सीट मैट्रिक्स है वो टेंटेटिव है। तो टोटल नंबर ऑफ MBBS सीट्स इंक्लूडिंग बोथ 15% ऑल इंडिया कोटा एज वेल एज द 85% स्टेट कोटा, वो आपकी है 1150 आपके MBBS सीट्स है। और आपके पास जो BDS की जो सीट्स है, टोटल नंबर ऑफ जो BDS सीट्स है आपकी, जो वो है आपकी 150 इंक्लूडिंग बोथ 15% एज वेल एज द 85% स्टेट कोटा। और इसमें जो अगर नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस की बात करें, तो गवर्नमेंट और मेडिकल मिला के आपके पास 8 जो है मेडिकल कॉलेजेस हैं आपके, और 2 आपके पास जो है डेंटल कॉलेजेस है आपके स्टेट ओडिशा में। अब मैं आपको जो है कॉलेज वाइज आपको जो है सीट मैट्रिक्स बता देता हूँ MBBS की। अगर हम बात करें SCB मेडिकल कॉलेज कटक की, जो सबसे प्रोमिनेंट और मोस्ट डिमांडिंग कॉलेज है, उसकी जो MBBS सीट्स है, जो टोटल नंबर ऑफ MBBS सीट्स है, वो है आपकी 250। उसी तरीके से MKCG कॉलेज मेडिकल कॉलेज की अगर बात करें, वो आपकी है 250। उसके बाद आपका जो VSS मेडिकल कॉलेज है जो बुरला में है, वो आपकी है 150 सीट्स होती है वहाँ पर। और जो आपका PRM मेडिकल कॉलेज है और जो हॉस्पिटल है, उसमें आपकी है 100 सीट्स। उसी तरीके से आपकी जो कॉलेज है आपका मेडिकल कॉलेज है, SLN मेडिकल कॉलेज है, उसमें आपकी 100 सीट्स है। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आपका जो बैलासोर में है, वहाँ पर आपकी जो 100 सीट्स है। उसी तरीके से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपका जो बालांगीर में है, वहाँ पर आपकी 100 सीट्स है। और जो आपके जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, जो कि हाईटेक मेडिकल कॉलेज है जो भुवनेश्वर में, इसकी जो टोटल नंबर ऑफ MBBS सीट्स है यहाँ पर, वो 100 है। तो इस तरीके से अगर आप टोटल सीट्स को अगर आप ऐड करेंगे, तो 1150 आपकी टोटल MBBS सीट्स है। अब सीट मैट्रिक्स के बाद हम बात करते हैं बच्चों कट ऑफ की। तो देखिए, मैं नीट रैंक के बेसिस में आपको बताता हूँ कि हम जनरल कैटेगरी को लेकर चल रहे हैं। अगर ऑल इंडिया जो रैंक रही है नीट की, जो ओपनिंग रैंक रही है, वो रही है 12,467, और जो क्लोजिंग रैंक गई है वो गई है 38,934, ये लास्ट ईयर की है। इसी तरीके से अगर स्टेट रैंक की बात करें, तो स्टेट रैंक आपकी जनरल कैटेगरी की बस बात कर रहा हूँ मैं, वो स्टार्ट हुई है 276 से, और जो लास्ट रैंक रही है, जो क्लोजिंग रैंक रही है, वो 1073 रही है। ये 85% की मैं बात बता रहा हूँ आपको, लास्ट ईयर की। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द व्हाट शुड बी द एक्सपेक्टेड नीट कट ऑफ फॉर 2020 फॉर गेटिंग MBBS इन द MBBS सीट्स इन द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ऑफ ओडिशा। तो मैं रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में बताऊंगा। देखिए, जो आपका जो टॉप मेडिकल कॉलेज है, जो सबसे प्रोमिनेंट है, वो है SCB। अगर उसमें आप अगर एडमिशन सीक करना चाहते हो, तो आप अपना टारगेट जो है 590 प्लस का लेके चलिए। ये एक अलग बात है कि जो पिछले साल का जो कट ऑफ गया है 2018 से 2019 का, वो कम रहा है। इवन दो आप अपने सेफर साइड में जो है इस मेडिकल कॉलेज, पर्टिकुलरली इस मेडिकल कॉलेज की जो कि आपका है SCB, उसके लिए आप 590 प्लस का जो है टारगेट लेके चलिए। अब मैं आपको जो है कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बारे में बताता हूँ 85% स्टेट कोटा में, जिससे आपको रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स मिल ही जाएंगी। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, देन यू शुड स्कोर एटलीस्ट 560 प्लस मार्क्स। और उसी तरीके से अगर बात OBC कैटेगरी की करें, तो 545 प्लस मार्क्स। फॉर द SC कैटेगरी यू शुड नीड एटलीस्ट 490 प्लस मार्क्स। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, फॉर द ST कैटेगरी यू शुड नीड्स एटलीस्ट 330 प्लस मार्क्स। सो दीज आर द कैटेगरी वाइज कट ऑफ फॉर द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस इन उड़ीसा। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू स्मैश द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड, एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टिल देन, बाय बाय।